प्रकृति। जीवन जीने के लिए हमें मिला बहुमूल्य उपहार, जिसके सम्मान ने भारत को सिखाया वनों, नदियों, धरती, आकाश, पहाड़ सभी का करना वंदन। लेकिन मानव की ये सम्मान भावना समय के साथ कम होती गई और चारों ओर फैलता गया गंदगी का साया। अपनी जिम्मेदारियों से मुंह चुराते हम हो गए स्वच्छता के प्रति उदासीन। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी की इस आदत को बदलने गांधी जी का स्वप्न लेकर चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारी इस भारत माँ को अब गंदा नहीं रहने देंगे। पूज्य बापू को सपनों को पूरा करने में हम कोताही नहीं बरतेंगे। ये गंदगी से मुक्ति ये गरीबों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण काम है। इस तरह से 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर झाड़ू थामा और आ गई जन भागीदारी की एक लहर। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र ने बदला करोड़ों लोगों का जीवन। स्वच्छ भारत के तहत 100% शहरी आबादी हुई खुले में शौच मुक्त। स्वच्छ सर्वेक्षण और अन्य गतिविधियों से जुड़ी 50% से अधिक शहरी आबादी। फ्रंटलाइन योद्धाओं के रूप में स्वच्छता कर्मियों की निरंतर चलती रही सेवा। कोविड-19 के समय में भी भारत के नगरीय भाग को किया संरक्षित। सरकार ने भी रखा उनका ख्याल, उपलब्ध करवाई सुरक्षा किट्स, मुफ्त मिला सबको टीका। ठोस अपशिष्ट का भी किया जा रहा है वैज्ञानिक विधि से निपटान। अपशिष्ट उपचार के लिए इनोवेशन वाली उद्यमिता के प्रयोग से अर्थव्यवस्था सशक्त हुई और सफाई मित्रों को मिला स्वरोजगार और सम्मान। विशाल जन भागीदारी से बना दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान। सुविधाएं बढ़ाने के लिए, पानी पहुंचाने के लिए, लाइट अच्छी लगाने के लिए, ड्रेनेज की व्यवस्था करने के लिए भारत सरकार ने एक अमृत योजना बनाई। अमृत जलापूर्ति को समर्पित देश का पहला मिशन है। इसके अतिरिक्त सीवरेज सुविधाएं और सेप्टेज प्रबंधन, जल भराव को कम करने के लिए वर्षा जल नाले, नॉन मोटराइज्ड शहरी यातायात और शहरों में हरियाली एवं पार्कों का निर्माण भी मिशन के मुख्य लक्ष्य हैं। अब तक 1,10,00,000 घरों को पानी के नल कनेक्शन और 85,00,000 घरों को सीवर कनेक्शन दिए जा चुके हैं। 1,800 MLD की क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार हो गए हैं, जिनमें 907 MLD ट्रीटेड पानी रिसाइकल किया जा रहा है। 1,900 पार्कों का निर्माण हो गया है, जिनमें 3,800 एकड़ के हरे भरे क्षेत्र तैयार किए गए हैं। 2,200 स्थानों पर जल भराव की समस्या दूर हुई है। नॉन मोटराइज्ड यातायात की 400 करोड़ रुपए की योजनाएं सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुकी हैं। रिफॉर्म एजेंडे के तहत स्थानीय निकायों को मजबूत बनाने के लिए कई सुधार किए गए, जैसे कि ऊर्जा बचत के लिए 89,00,000 स्ट्रीट लाइट्स को LED से बदला जा चुका है। इन स्ट्रीट लाइट्स को बदलने से 195 करोड़ बिजली यूनिट्स की बचत प्रति वर्ष होगी व कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 15,60,000 टन की कमी आएगी। 10 शहरों ने म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के जरिए 3,840 करोड़ रुपए जुटाए हैं और इन्हें 227 करोड़ की पुरस्कार राशि केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम के तहत निर्माण कार्य की सभी स्वीकृतियां एक ही आवेदन के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवा 2,471 शहरों में काम कर रही है, जिसमें 444 अमृत मिशन शहर शामिल हैं। शीघ्र ही इसे प्रत्येक शहर में लागू किया जाएगा। सिर्फ अमृत मिशन एक ऐसी योजना है जिससे न केवल नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं, बल्कि स्थानीय निकायों की स्थिति में भी व्यापक सुधार हो रहा है।